अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर योग के दीवानों का दिखा जुनून। मुरादाबाद के मुख्य स्थानों पर लोग योगा करते हुए नजर आए और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी किया गया पालन। आइए हम आपको बताते हैं कि योगा करने के क्या क्या फायदे हैं। प्राचीन जीवन पद्धति के लिए योग आज के परिवेश में हमारे जीवन को स्वास्थ्य और खुशहाल बना सकते हैं। आज के प्रदूषित वातावरण में योग ऐसी औषधि है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि योग के अनेक आसन ऐसे भी हैं। शवासन हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य रखता है, जीवन के लिए संजीवनी है। कपालभाति प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत रखता है। वक्रासन हमें अनेक बीमारियों से बचाता है। आज कंप्यूटर की दुनिया में दिन भर उसके सामने बैठे बैठे काम करने से अनेक लोगों को कमर दर्द एवं गर्दन दर्द की शिकायत एक आम बात हो गई है। ऐसे में शलभासन तथा ताड़ासन हमें दर्द निवारक दवा से मुक्ति दिलाता है। पवन मुक्त आसन अपने आप में अनुरूप पेट से गैस की समस्या को दूर करता है। गठिया की समस्या को मेरुदंड आसन दूर करता है। योग में ऐसे अनेक आसन है जिनको जीवन में अपनाने से कई बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और खतरनाक बीमारियों का असर भी कम हो जाता है। 24 घंटे में से महज कुछ मिनट का ही प्रयोग यदि योग में उपयोग करते हैं तो अपनी सेहत को हम चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। फिट रहने के साथ ही योग हमें पॉजिटिव एनर्जी भी देता है। साथ योग से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। योग के 10 प्रमुख आसन, उनके लाभ, ये कहना अतिशयोक्ति न होगा कि योग हमारे लिए हर तरह से आवश्यक है। यह हमारे शारीरिक मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। योग के माध्यम से आत्मिक संतुष्टि शांति और ऊर्जा चेतना की अनुभूति प्राप्त होती है जिससे हमारा जीवन तनाव मुक्त तथा हर दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। हमारे देश के ऋषि परंपरा योग को आज विश्व भी अपना रहा है जिसका परिणाम है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए प्रस्ताव को 177 देशों ने अत्यंत सीमित समय में पारित कर दिया है और 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी तरह से बड़े उत्साह के साथ मनाया गया है और प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आपसे यही कहना है कि आप जहां भी है, जिस जगह पर भी है, योगा करिए, क्योंकि योगा करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे मोदी जी का भी यही कहना है कि अगर आप योगा करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ रहेगा। आप जिस जगह भी है, मेरा आपसे यही कहना है कि सिर्फ 30 मिनट सुबह के, आपके पास 24 घंटे होते हैं, सिर्फ 30 मिनट दीजिए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए। और आजकल देखना सबसे बड़ी बात है स्टे होम स्टे से, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करिए। ये नहीं कि चिपक चिपक के लोग रह रहे हैं, बस योगा करते रहिए, स्वस्थ रहिए, बलवान रहिए, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम ऋतिक सक्सेना है। ऋतिक, यहाँ कौन सी जगह पर खड़े हुए हैं आप? मैं यहाँ कटघर स्टेशन पर खड़ा हूँ। यहाँ क्या करने आए थे आप? यहाँ मैं आज योग दिवस के त्यौहार पर योग करने आया था और यहाँ पर अन्य कई लोग हैं जो योग करते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। फिलहाल बारिश के कारण यहाँ पर कोई आ नहीं पाया है, इस वजह से थोड़ा ज़रा लॉकडाउन का भी हमें पालन करना पड़ता है, इस वजह से हम यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। देश की जनता को आज योग दिवस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देश की जनता को यही योग दिवस पर यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने घरों में रह करके जिसको योग आता है वो अपने घर वालों को योग बताए।